नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जो अपना मिल्कमैन यूनिकोड डायरी सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर को आप कैसे अपने अलग अलग लैंग्वेज में चला सकते हो। आप अपने जो अपना सॉफ्टवेयर है उसको आप कोई भी भाषा में चला सकते हो। अभी कई किसान भाई बोलते हैं कि सर, जैसे ही सॉफ्टवेयर की हमारी विंडो खुलती है, यहाँ पे आप वन यूज़र नेम वन पासवर्ड लगा के यहाँ पे नीचे अपने सेलेक्ट करने की ऑप्शन आ जाती है। आप सॉफ्टवेयर को चलाओ कैसे, गुजराती में चलाना है, वन यूज़र नेम डाला, वन पासवर्ड डाल के गुजराती सेलेक्ट कर लीजिए मैंने, ठीक है, ये चल पड़ा जी। उसके बाद आपने कोई फर्दर और लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जी, डबल क्लिक करके, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, ये उर्दू में चला था, उसके बाद मैंने इसको मराठी में चला लिया जी, ठीक है जी, ये मराठी में चल पड़ा जी, ठीक है जी। ये अपना बैकअप वाला वीडियो बना हुआ है, अगर आपको ये जो आता है बैकअप, इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको इसके बारे में प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, आपको आई बटन पर भी शो होगा कि इसका बैकअप वाला जो चीज़ है आपको कैसे चलानी है, ठीक है जी। बंगाली में चलाना है जी, एंटर कर दोगे ये बंगाली में चल पड़ेगा, ठीक है जी। अगर आपके पास यहाँ पे आपकी लैंग्वेज नहीं बनी हुई है तो आप कैसे लैंग्वेज ऐड करनी है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले प्लस के साइन पे जाना है जी, प्लस के साइन पे जाके जहाँ पे आपने एक्सपोर्ट पे जाना है जी, एक्सपोर्ट पे आपने क्लिक किया जी तो आपके पास ऐसे नीचे एक फाइल खुल जाएगी, ये फाइल ओपन होगी जी आपके पास, ठीक है जी। जो अगर आपने जैसे हमारी वहाँ पे उड़िया लैंग्वेज ऐड नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये सभी को आपने सेलेक्ट कर लिया जी कीबोर्ड से, माउस से सॉरी, उसके बाद इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करके आपने क्या करना है, यहाँ पे गूगल में आपने खोल लेना है जी ट्रांसलेशन, जैसे इंग्लिश टू उड़िया, मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, उसने सारी चीज़ों को कन्वर्ट करके दिखा दिया भी इस चीज़ को ये उड़िया में बोलते हैं। जो चीज़ आपकी कन्वर्ट नहीं हुई है वो आप खुद भी लिख सकते हो थोड़ा बहुत, तो बाकी देखो आपको इतना चीज़ें थी, 173-175 चीज़ें थी, उसने सारी कन्वर्ट कर दी, थोड़ी सी चीज़ें ही लिखनी है तो थोड़ी सी चीज़ें आप कष्ट भी कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर को आप अगर आपको नहीं लिखना था तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, तो हमारे इंजीनियर आपको कॉल पे भी लिखा देंगे। आप यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर दोगे, ये देखो जी आपके प्रॉपर इस तरह से आपका जो है आपके सारे हैं, देखो एंड तक आपको जीरो बैलेंस आ गया जी, ये विलेज आ गया जी, ठीक है ना, इस तरह से आपके सारी चीज़ें जो हैं, ये देखो जी ये अपनी आ गई, टू एनेबल SMS सेंडिंग, सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कंट्रोल एस करके अपनी फाइल को सेव कर लेना कहीं पे भी जी, जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, एक बार डेस्कटॉप पे सेव कर लिया जी मैंने, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर देना जी, इंपोर्ट करके यहाँ पे जैसे मैं डेस्कटॉप पे गया, यहाँ पे क्लिक किया जी, ठीक है, ये देखो जी प्रॉपर इंपोर्ट होने लग गया सारा कुछ, रिकॉर्ड सक्सेसफुली अटैच, ठीक है जी, ये हमारा देखो सारे हो गए जी। इसको अब कौन सी लैंग्वेज में, मैं उड़िया लैंग्वेज में यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, ORIYA उड़िया, इसको मैंने कर दिया जी सेव, लैंग्वेज हैज़ बीन एडेड हो गया जी, इसको भी मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया, यहाँ पे देखो जी उड़िया लैंग्वेज आ गया, उड़िया आ गया जी, मैंने यहाँ पे वन यूजर नेम डाला, वन पासवर्ड डाला, इसको लॉगिन कर दिया, देखो जी प्रॉपर आपकी हर चीज़ आपकी, देखो फार्मर खोलोगे वो भी आपका उड़िया में हो जाएगा, ये चीज़ भी आपकी प्रॉपर उड़िया में आ गई, ये देखो जी प्रॉपर आपकी हर एक चीज़, कोई भी चॉइस है सॉफ्टवेयर की वो हर एक चीज़ आपकी आपकी खुद की लैंग्वेज में हो जाएगी, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर को चलाइए, अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं चलाना आता है तो स्क्रीन पर दिए गए आप नंबर पर कॉल भी कर सकते हो जी, नहीं तो आपको ऊपर आई बटन पर शो हो रहा होगा आपको सॉफ्टवेयर में कैसे चलाना है, ठीक है जी। तो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है अपना यूनिकोड सॉफ्टवेयर, यूनिकोड सॉफ्टवेयर का यही मतलब होता है कि उस सॉफ्टवेयर को आप अपनी किसी भी भाषा में चला सकते हैं, ठीक है ना जी। शुक्रिया जी, थैंक यू।